क्या बिस्किट से माल न्यूट्रिशन दूर हो सकता है? कम से कम दावा तो ऐसा ही है। जी हाँ, इलाहाबाद की एक बेटी ने एक ऐसा बिस्किट बनाया जो कुपोषण से लड़ेगा, जो लोगों को बीमारियों से राहत देगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाली अमातुल फातिमा ने कमाल कर दिया है। ये है अमातुल फातिमा। इन्होंने ऐसा बिस्किट तैयार किया है जो लाखों लोगों की सेहत दुरुस्त कर सकता है। फातिमा का बनाया बिस्किट लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है। दरअसल फातिमा ने जो बिस्किट तैयार किया है वो कुपोषण से निपटने में सक्षम है। अदरक, अंडे और ब्लू ग्रेन स्पायरुलिना यानी हरे रंग की काई को मिलाकर इस बिस्किट को तैयार किया गया है। इस बिस्किट को तैयार करने में फातिमा को 2 साल का वक्त लगा है। इसे नाम दिया गया है एलगी बिस्किट। दरअसल अमातुल फातिमा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होम साइंस की रिसर्च स्कॉलर हैं। देश में जिस तरह से कुपोषण की समस्या पसरी हुई है वो इन्हें अंदर से चुभ रही थी, लिहाजा इन्होंने वो करने का फैसला किया जो अब तक सपना था, एक बिस्किट के जरिए कुपोषण खत्म करने का फॉर्मूला इजाद किया। ये इस तरह से अनोखा है कि इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तकरीबन 100 ग्राम में 60-70% प्रोटीन पाया जाता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार है और मेल न्यूट्रिशन से लड़ने में भी कारगर। सुपर फूड तो सर ये सदियों से है, लोग इसको यूज़ करते आए हैं टैबलेट्स और पाउडर के फॉर्म में, जो कि एनर्जी रिच है और फॉरेन कंट्रीज में एक दशक से यूज़ हो रहा है, लेकिन किसी ने भी इसके फूड प्रोडक्ट बनाने की पहल नहीं करी। अमातुल फातिमा को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का भी पूरा सहयोग मिला। गाइड के सहयोग से फातिमा ने कुपोषण खत्म करने वाला बिस्किट तैयार किया। लगातार 6 महीने तक इन्हें प्रयोग करने के बाद पावर फूड ने कामयाबी हासिल कर ली और सरकार ने फातिमा के नाम उसका पेटेंट भी दे दिया। फातिमा की इस कामयाबी से उनकी गाइड भी काफी खुश हैं। हमने देखा कि इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के जो आसपास के इलाके हैं इनमें बहुत अधिक कुपोषण है, विशेषकर बच्चों में और औरतों में, जो कि औरतें बच्चों को दूध पिला रही होती हैं वो औरतें या जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा अनीमिया है। तो हम लोग ने इस एलगी को ऐड करके इस तरीके का बिस्किट ये तैयार किया है जिसमें कि सारे पोषक तत्व हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में है। तो हमें लगता है कि ये मिड डे मील्स और गाँव की औरतें और स्ट्रीट चिल्ड्रन, इन सबों के लिए ये बिस्किट बहुत ही कारगर साबित होगा। हिंदुस्तान में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। हर साल करीब 10 लाख बच्चे कुपोषण की वजह से दम तोड़ देते हैं। गरीबी में लिपटे लोगों को ये बिस्किट काफी राहत पहुंचा सकती है, उन्हें बीमारी से आजादी दिला सकती है। इलाहाबाद से दिनेश सिंह के साथ इंडिया 24/7।